बीजेपी हिंदुओं पे प्रहार कर रही है। ये जितना एससी एसटी ओबीसी है इसको अभी हिंदू बनाएगा अभी इलेक्शन तक, और इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर कुटाई भी करेगा, हकमारी भी करेगा, कुटाई भी करेगा। भारत में किसी चीज पे बोलोगे तो भावना आहत हो जाएगी। चूहा पे बोलो तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे, कुत्ते पे बोलो तो भैरव नाराज हो जाएंगे, उल्लू पे बोलो तो लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। पार्लियामेंट में रही है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ किया है उसको लेकर के देश भर में गुस्सा है। मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल जी हैं एज ए एक्टिविस्ट, उनकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? डॉक्टर साहब कैसे देखते हो पूरे मामले को? नहीं, उनका प्रमोशन भी हो गया ना। हाँ, और राजस्थान के प्रभारी भी बन गए, प्रभारी बना दिया। भाजपा की आरएसएस की ये संस्कृति है, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि देश के गद्दारों को और जो गाली गलौज हुआ था वो मंत्री भी बने। तो जिनको भी बीजेपी में प्रमोशन लेना होता है उनको अभद्र भाषा ये सब का इस्तेमाल जो है वो एक तरह एक कंडीशन ये भी है। अच्छा होता कि विधुरी साहब जो महिला रिजर्वेशन बिल पे पास कराए हैं उसमें अपने समुदाय के महिलाओं की भागीदारी भी मांगते तो अच्छा होता ना। वो पिछड़ी जाति से ही आते हैं, गुजर समाज से आते हैं तो गुजर छात्रों के पढ़ाई लिखाई के कुछ बात करते, शैक्षणिक बहुत पिछड़ापन है वहाँ पर, तो बोलते कि हमारे समुदाय के बच्चों को स्कॉलरशिप दो, आरक्षण विधिन आरक्षण करो, हमारे समुदाय का भी आरक्षण दो। तो ये सब नहीं बोले हैं और महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, उसके बाद इस भाषा का इस्तेमाल हुआ है। वो देखिए अभी देश में जो है ना एक अभी सनातन पे भी बात चल रहा है, ठीक है जी, और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, तो ये विवाद चल रहा है। और जाहिर है कि दक्षिण में मुँह की खाएंगे, वहाँ कुछ चलेगा नहीं। तो बीजेपी के पास कोई राजनीतिक मुद्दा है नहीं, तो किस मुद्दे पर लड़ेगी? महिला आरक्षण बिल भी जो लेकर आए हैं और जिस तरह के कंडीशंस हैं उसके हिसाब से तो 10 साल लगेंगे कम से कम उसको लागू होने में, और उसमें भी उसका विरोध व्यापक हो ही रहा है, क्योंकि उसमें जिस तरह EWS जो है सवर्ण कोटा था उसी तरीके से ही समझिए सवर्णों के लिए और हाई फाई लोगों के लिए कोटा है, सवर्ण महिलाओं का कोटा है। हाँ, तो उसमें लगातार ये मांग हो रही है, और आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा देश भर में इसके खिलाफ कि उसमें SC ST OBC का भी माइनॉरिटी का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन हो। तो बीजेपी जो मसला आपने गाली की बात की, आपको क्या इस देश की जनता को पता है कि जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और जो मुल्ला कटुआ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो 5 बार जो मुसलमान नमाज पढ़ता है वो दिन में एक दिन में 88 बार इस धरती पे अपना माथा टेकता है, 88 बार, और जब जब ज़रूरत पड़ी इस देश के मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, कैप्टन हमीद और तमाम पहले अब्दुल कय्यूम अंसारी तमाम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग किया, और यहाँ तो मंदिर में जाने से पहले बगैर नहाए हुए नहीं जाएंगे, लेकिन जब नमाज पढ़ता है, जब पानी अगर नहीं उपलब्ध हो तो मुसलमान इसी देश का मिट्टी अपने इसमें लगाता है, इस पर वजू कर लेता है, मिट्टी से वजू कर लेता है। तो ये कोई अगर इस तरह का भड़काऊ बयान दे रहा है और मुसलमानों से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का अगर सर्टिफिकेट मांग रहा है तो उससे पूछिए कि दिन में कितनी बार इस धरती को चूमते हैं, किस धरती को आप रौंद रहे हैं, इस धरती से जो रिसोर्सेज निकला है वो सब अडानी में जा रहा है, ठीक है जी। तो ये सवाल है और इस बात को हम लोग को अब बहुत प्रमुखता से उठाना पड़ेगा। मुसलमान इस देश में अभी शांत है, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जितने इनके खिलाफ बोलने वाले ज़्यादातर हिंदू ही समुदाय के लोग हैं या बौद्ध हैं या नास्तिक हैं। हाँ, तो ये इनको संस्कृति में मिला है। RSS कभी भी भारतीय संविधान में विश्वास नहीं था, जब संविधान बनी उस समय भी इन्होंने संविधान का विरोध किया था। तो ये एक पैकेज में है, ये धीरे धीरे घाल मेल करके, और अब लोग हिंदू लोग भी समझ गए हैं कि जो निजीकरण हो रहा है, हकमारी हो रही है, तो किसका, मुसलमान का थोड़ी हो रहा है, जो सारे खाली मैं निजीकरण कह रहा हूँ, तो 100 पोस्ट अगर निजीकरण हुआ तो उसमें से 50 SC ST OBC में मान ले और उसमें आप EWS मान ले, तब भी तो जो है सवर्णों का 40-45% जो अपना कोटा वो समझते हैं उनका भी तो नौकरी गया, बिल्कुल उनका भी तो गया। हमारे कॉलेज में जो सिक्योरिटी स्टाफ हैं 12-15 हज़ार पे काम करते होंगे, अगर वही परमानेंट रहता तो वही जो है 50 हज़ार मिलता। तो उनका निजीकरण आपने कर दिया, तो एक तरीके से हकमारी हिंदुओं की हो रही है, मुसलमानों की नहीं हो रही है। मुसलमान तो नौकरी में है ही नहीं। आपने नौकरी उसको देते हैं, उसको तो हर जगह से साइडलाइन कर देते हैं। तो वो जो है अपना बिजनेस करके टायर पंचर बना के सब्जी बेच के फल बेच के ये अपना करता है।
तो ये सब जो निजीकरण आरक्षण की खात्मा है, तो बीजेपी हिंदुओं पे प्रहार कर रही है, समझ रहे हैं बात? तो कुछ मुद्दा नहीं है, तब इलेक्शन आ रहा है ना, तो हिंदू मुसलमान ये करेंगे, लेकिन इस बार हिंदुओं में खुद भी जागृति आ रही है, ये कुछ मिला नहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेज का बहुत बुरा हाल है। तो एक तरह से समझिए कि इलेक्शन की ये रणभेदी हो गई है, फिर पुराने ट्रैक पर आएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। अभी चार राज्यों में चुनाव है, हार का डर है, तो ये जितना एससी एसटी ओबीसी है इसको अभी हिंदू बनाएगा अभी इलेक्शन तक, और इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर कुटाई भी करेगा, हकमारी भी करेगा, कुटाई भी करेगा। तो इस देश के लोगों को जो लोग सुनते हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे, गाँव गाँव में इस बात को प्रचार करना चाहिए कि गाँव में, मैं तो गाँव में पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, और वहाँ सुबह से शाम तक क्लास लगती थी, 2 रुपये चार आने 5 पैसे में पढ़ लेता था पहले। अब गाँव में स्कूल सारे ख़त्म हो गए हैं, सरकार लाखों स्कूल बंद कर चुकी है, तो स्कूल अब आपके गांव में जब ख़त्म हो जाएंगे तो जो पढ़ने का एक अवसर था ना, वो छूट जाएगा, वो ख़त्म हो रहा है सब कुछ। शिक्षा गया तेल लेने, तो शिक्षा ख़त्म, मतलब बेसिक रीढ़ ही तोड़ रहे हैं इसको। तो पढ़े लिखे लोग, अब देखिए संसद में रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन जैसे लोग इस बात पर हंस ठहाका लगा रहे थे, तो आप समझ रहे हैं ना कि आरएसएस में जो ट्रेनिंग लेती है उसकी वकालत, उसकी डिग्री भी जो है ना, वो चले जो गोबर गणेश हो जाता, जो दलितों को गाली दे, मुसलमानों को गाली दे, बीजेपी में वो नेता बन जाता, सांसद बन जाता, उसको प्रमोशन मिल जाता जी, एकदम डेफिनेटली। तो अब डेमोक्रेसी है ना, लोगों को समझना पड़ेगा कि इनके खिलाफ इतना बल्क में वोट करो कि ईवीएम की हेरा फेरी भी करे तब भी न जीत पाए। उसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है देश में, जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं वो पूरा वकालत, मतलब उसमें कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहे हैं। वो एक्चुअली पढ़े लिखे होते तो बात समझ लेते हैं, जो पढ़ा लिखा आदमी, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता है, बहुत चर्चित कविता है, फिल्म एक्टर जो अब नहीं है, इरफान खान, उन्होंने जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में ये पढ़ा था, ये वो ठाकुर वो सिंबल है, वो जाति नहीं है, तो ठाकुर तो नाई भी ठाकुर लिखता है हमारे यहाँ, तो लोहार भी ठाकुर लिखता है हमारे यहाँ, तो भूमिहार भी ठाकुर लिखता है हमारे यहाँ, ब्राह्मण भी ठाकुर लिखता है। तो झा जी का जो भाषण था ना, वो क्या कह रहे थे, हमारे अंदर जो ठाकुर है उसको मारो, वो विश्वविद्यालयों में है, वो न्यायालयों में है, ये बात कह रहे हैं। तो जाति का संकेत नहीं था वो, एक विचारधारा है ना, एक सामंती प्रवृत्ति का, हो सकता है कि वो प्रवृत्ति किसी यादव में हो सकता है वो प्रवृत्ति किसी जाटव में हो, किसी में भी हो, वो तो प्रवृत्ति है ना। तो ये अननेसेसरली इसको तूल दिया जा रहा है, मामला वो था नहीं, वो जाति को लेकर था नहीं कि इस पर। अच्छा ये मुझे बताइए कि ठाकुर पे किसी का कॉपीराइट है? कहीं ना कहीं एक जाति तो है ही, ठाकुर समुदाय जैसे नहीं, ठाकुर जाति नहीं है, ठाकुर टाइटल है, क्षत्रिय जाति नहीं है, राजपूत जाति है, समझ रहे हैं बात, राजपूत जाति। अब लोध राजपूत भी तो लिखते हैं, माली राजपूत। तो ये अननेसेसरी, देखिए अगर राजपूत समुदाय ये क्लेम कर दे कि जाके मुहर लगा ले कि ये मेरा ही टाइटल है, तब एक क्लेम बनता है। अब मेरे यहाँ तो नाई लिखते हैं ना, कई जातियाँ लिखती हैं ठाकुर। तो वो जो सिंबलिज्म था एक तरह से, वो सामंती प्रवृत्ति के खिलाफ था। अब कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में ठाकुर, तो विश्वविद्यालय में कितने ठाकुर, यहाँ पे एक हमारे वाइस चांसलर जरूर हैं लेकिन कितने प्रिंसिपल ठाकुर होंगे? जितने देश में वाइस चांसलर हैं सब ठाकुर ही हैं, जितने देश के बड़े पद पर बैठे हुए सब एक ही जाति के, नहीं है ना? तो वो एक सिंबलिज्म है, एक प्रतीक के रूप में उसको लिया गया था, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना, उसको इंटरप्रेट करके अब इनको भी लाइमलाइट में, साहित्यकार कभी किस परिवेश में इस बात से अगर आप मानो तो भारत में किसी चीज़ पे बोलोगे तो भावना आहत हो जाएगी। चूहा पे बोलो तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे, कुत्ते पे बोलो तो भैरव नाराज हो जाएंगे, उल्लू पे बोलो तो लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। तो ये मजाक बनाने, मतलब कोई बात हुआ, ये रियल मुद्दों से भटकाने के लिए वो बात करें, वो जाति के संदर्भ में नहीं है बात, वो मानसिकता के संदर्भ में बात किए थे। तो आप प्रोफेसर रतनलाल थे, और साहित्यकार की अपनी रचना लिखते वक्त उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है, उसका अपना अपना एक उस समय का दिमाग होता है, वो क्या सोच रहा है। आदम गौड़वी साहब की कविता है कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। तो उस समय उन्होंने वो कविता लिखी, देश में चर्चित हुई और आज तमाम चैनलों पर वो मिल जाएगी। साहित्यकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है, उससे पहले और बहुत सारी जातियों को लेकर के इस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही हैं, लेकिन कवि आदम गौड़वी की इस कविता पर चमारों ने आपत्ति नहीं की कि आपने हमें हमारी जाति का इसमें क्यों लिखा। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार ठाकुर के कुआ को लेकर के देश में विवाद हो रहा है।